सरकार फैसला लवे राजवाणा साहब नूं बाहर कढ़े। वीर सिंह बादल होरां वल्लों माफ़ी मंगी जा रही है कि पंथ कौम सानूं माफ़ कर दे, किसी भी तरह की कोई गलती हुई है कि लगता वो की कहना चाहते हैं तो किहड़ियां गलतियां होईयां ने। पंथ ते गुरु ग्रंथ साहिब बख्शणे हो गए, असीं तां कहिंदे आ सारियां गलतियां नूं उह कबूल के कौमी इंसाफ मोर्चे विच आ जाण, गुरु ग्रंथ साहिब ते पंथ बख्शणे हो गए। तमिलनाडु वाले राजीव गांधी के जिहड़े कातल से उन्हां नूं लै गए छड़ा के, जिहड़े बलात्कारी बिलकिस बानू दे ने वड्डे वड्डे जिन्हां ने सारे परिवार ही बिलकिस बानू दा मारता, वह भी छड्डते आ। इन्हां ने तां कोई करे ही नहीं, कोई क्राइम नहीं करे इन्हां ने, इन्हां ने तां इक बुच्चड़ नूं दुष्ट नूं सज़ा दित्ती आ। ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸੌਖਾ ਕਹਿ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਆ ਜਾਣ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। जिस तरह जदों बाबरी मस्जिद ढाई है, सुप्रीम कोर्ट ने रात दे 1 बजे फैसला लिया कि वह जायज़ कानून के मुताबिक। देखो जिहड़ी रवनीत बिट्टू की सोच है वह घटिया सोच है, जे वह वाकई गल करता भी वह कातल है, कि रवनीत बिट्टू ने उन्हां कातलों की कदे गल करी है जिस कांग्रेस पार्टी के राज जदों इस भारत च सिखां दा कतलेआम होया, कि उहदे दादे जी जिन्हें अपने सारा कानून छिके टंग के नौजवानों के कतल किए हैं, सरेआम 15-15, 16-16 नौजवानों घरां चों बेदोशियां चक के उन्होंने शहीद किया जाता सी, कतल किया जाता सी, कि रवनीत बिट्टू उन्होंने भी गल करता। पंजाबी लोग चैनल के नाल तुसी जुड़े हो, मैं तुहाडे नाल जगसीर सिंह कौमी इंसाफ मोर्चा के मौजूद हाँ, लगातार तस्वीरां सांझियां करदे रहिंदे हां। तो अज गल बलवंत सिंह राजू होना की करांगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिता कि उन्होंने जी है फांसी की सज़ा नहीं घटाई जाएगी, कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, तो वो कोर्ट का फैसला जोड़ा गृह मंत्रालय तक पहुँच चुका है। गृह मंत्रालय इस पर की फैसला लेंदा, खास तौर पर IGPC भी है कह रही है कि हूँ सरकार के हाथ है ये फैसला लेना चाहिए, पर इस उत्ते कौमी इंसाफ मोर्चा की सोचता है कि वाकई जो केंद्र की सरकार है इस उत्ते फैसला लेगी, बलवंत सिंह राजू होरां जी रिहा कर देगी, जो उन्हां दी फांसी की सज़ा उसनों किसी तरीके तब्दील या रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2024 सिर के उत्ते है। साढ़े नाल बाबा राय राज सिंह, बापू गुरचरण सिंह ने, इन्हां दे नाल गलबात करांगे, समझने की कोशिश करांगे मसला। तो ये जिहड़ा कहा गया कोर्ट ने जिहड़ा गृह मंत्रालय के हवाले कर दिता गया केस, तो इसनों किवें देखदे ने? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी, जो ये फैसला किया कोर्ट ने गृह मंत्रालय के हवाले कर दिता है, जिहड़ा सीगा उन्हां दी रिहाई का मसला, तुसीं किवें देखदे हो, किस तरीके दे नाल ये चीज़ होनी चाहिए है, सरकारां इस वल ध्यान देणगियां, जिहड़ा कोर्टां ने फैसला गृह मंत्रालय के हक दे विच दिता? देखो जिहड़ी सरकार दे कोले सी पटीशन, उन्होंने सीधा ही कहता भी असीं केंद्र सरकार ते छड़ता सारा काम, ये हुण सरकार ने फैसला लेना, सरकार फैसला लवे राजवाणा साहब नूं बाहर कढ़े। जद 550 साल गुरु नानक साहिब महाराज ने मनाया सुल्तानपुर लोधी, उदों मोदी साहब भी उत्थे कह के गए ने भी असीं सारियां बंदी सिंघां नूं रिहा करांगे, क्यों नहीं करते फिर सिखां नाल इन्ने कह के मुकरदे ने बार बार, कोई आगू होण इन्हां दे भरोसा किसे दे है नहीं गा, बार बार मुकरना, हुण केंद्र दे कोले आ फिर ये करन हल मसला, बंदी सिंह छड्डण। जदों एक गत सुप्रीम कोर्ट ने वधिया करती, फिर जिहड़े लली सजी फिरदी आ कहिंदे वी कई वारी पटीशन पा दिंदे आ, वह हुण पटीशनियां बंद हो जाणगियां, कोई सुप्रीम कोर्ट तो वड्डी कोई अदालत नहीं हैगी, तो उत्थे कोई पटीशन नहीं जानी, जो सरकार ने फैसला लेना, सरकार बेझिझक हो के उन्हां नूं छड्डे, सरकार दे पाले दे विच गेम पई आ, तो सरकार देखदी है छड्डना इन्हां नूं पैणा, जदों इलैक्शन आऊगी फिर ये देखते ने सिखां दी हमदर्दी लैण वास्ते सारा कुछ ये कर रहे ने, अदालतों के भी इन्हां दी बंदे बैठे ने, जो करनगे उही होगा। चलो जे सुप्रीम कोर्ट ने कहता फिर जिहड़ी सरकार वो बंदी सिंघां नूं रिहा करे।
राजवाणा साहब नू भी रिहा करे। लगता की है जिस तरीके कोर्टा ने फैसला गृह मंत्रालय ने दे दिता कि इस दे फैसला गृह मंत्रालय लवे, क्योंकि काफ़ी समय तो उन्होंने भी रोकया होया, गृह मंत्रालय को केंद्र को उन्होंने भी इस चीज़ को रोकया, पर इसका एक ये सिटा दिता जाता है कि जे अगर इन्हों छे तो यह खतरा ने पूरे कौम के लिए। की खतरा उन्होंने की करता? कोई खतरा नहीं है, कुछ नहीं है। सिखां तो इन्हों क्यों खतरा महसूस होंगे? तमिलनाडु वाले राजीव गांधी के जोड़े कातल से उन्होंने लै गए छा के, जोड़े बलात्कारी बिलकस बानू दे ने बड़े बड़े जिन्होंने सारे परिवार ही बिलकस बानू का मारता, वो भी छड़ते आ। इन्होंने तो कोई करे ही नहीं, एडा कोई क्राइम नहीं करे इन्होंने, इन्होंने तो एक बुचड़ दुष्ट को सज़ा दी आ, जवानी बचाई आ, कोई ये क्रिमिनल नहीं है। कई बंदी सिंह जेडे परोलों पर भी आते हैं, राजवाणा आपके पिता के भोगते भी आए आ, तारा भी आ गया, तो एडी कोई ये क्रिमिनल बंदे नहीं है, इन्हों छना चाहिए। ये सिख कौम के योधे ने सारी बेझिझक हो, कोई खतरा नहीं इनू पंजाब सारे सिखा की यही आवाज़ आ भी वो बंदी सिंह की रिहाई सेंटर सरकार करे, जिन्हें हाथ च है तो सरकार कोर्ट ने भी कहता फिर हूँ करनी चाहिए। इस चीज़ के नाल कोर्ट ने अगर उन्होंने हाथ दे देता कि लगता राह सौखा होएगा, सौखे राह के नाल उन्होंने जो छड़ा जा सकता है, भी बाकी कह सकते हैं भी तुम हूँ जा सकते हो, थोड़ी सज़ा जी पूरी हो चुकी, केंद्र इन्ना सौखा कह देगा? देखो जो सुप्रीम कोर्ट ने सिरता वो तो चाहे हूँ शाम को तोड़ देन घर, ये तो हम सरकार से डिपेंड करता ना, केंद्र सरकार दे उन्होंने तो आपके गलों ला दा काम, सेंटर सरकार छिड़ती गृह मंत्री जो मर्जी वो तोड़ सकते हैं, शाम को सारे कढ़ सकते हैं, राह पदरा हो गया दा। ते हुण कोई जिहड़ा आ बिट्टू वट्ट वर्ग ने होर लल्ली छल्ली है, कोई अर्जी नहीं ला सकते कितने अदालत च, उपरली अदालत जो सारी सुप्रीम कोर्ट ने कहता, फिर जो सेंटर सरकार ने छड़ना फिर उत्थे अर्जियां की कोर्ट की ने मननियां ने, राह पदरा होया होया, तो हुक्म करन दी डेरा सेंटर सरकार नू गृह मंत्रालय नू हुक्म करे, वो लिखती रूप दे विच जेलां दे विच भेजे भी इन्हां नू तुरंत छड्डे जाओ, शाम नू आ सकदे ने सारे जे सरकार चाहे तां। जे हुण चोरी कुत्ता कुत्ते चोरां दे नाल रली हुई है फिर असीं कर भी की सकदे हां, पर एक कौमी इंसाफ मोर्चा जिहड़ा ये जद तक चलदा रहूगा जद तक सारे सिंह बाहर नहीं आ जाते। लगातार कौमी इंसाफ मोर्चा बंदी सिंह की रिहाई की गल कर रहा तो लगातार आई जी पी सी भी दस्तक मुहिम चलाई जा रही है कि बंदी सिंह के वास्ते कि जिन्हें भी सिंह ने जिलों के ने सजावं पूरी कर चुके हैं तो उन्होंने बाहर कढ़वाया जाए किसी न किसी तरीके का। तो दूजे पास बलवंत सिंह राजू होर की भी जो गल आती है तो एक पास उन्होंने ये भी बयान दे दिता कि मेरा कोई तलब की है नहीं मोर्चे नाल, फिर मोर्चा अज भी उन्होंने हिमायत कर रहा कि किसी भी तरीके चलो आ जाए, बंदी सिंह ने कौम के लिए कुछ किया तो की लगता है जे ये सेहरा कौमी इंसाफ मोर्चे के सिर जाएगा जां फिर एच पी सी दे जां अकाली दल बादल? भाई असी सेहरा लैण वास्ते नहीं बैठे, असी कौमी योधिआं नूं छड़ाउणा किसी तरीके सरकार छड्डे सानूं सेहरे तक कोई मतलब नहीं, असी कौमी जिहड़े योध ने बाहर आने चाहीदे ने, सेहरा तां पंथ नूं ही जाणा जिहड़े चंगे काम करूँ दुनिया जाणदी आ, असी सेहरा लैण वास्ते नहीं इत्थे बैठे, सेवादार बन के बैठे हाँ। असीं चाहुंदे हां भी हर हालत जिहड़े बंदी सिंघ बाहर आने चाहीदे ने, तो गुरु साड़ी सेवा गुरु के घर के प्रबान हो, असी सेहरिया करके इतने बैठे नहीं है। जी बिल्कुल सेहरिया करके नहीं बैठे, बापू गुरचरण सिंह भी साढ़े नाल ने तो इन्होंने भी गल कर समझन की कोशिश करेंगे किस तरीके। बापू जी लगातार जिमें बलवंत सिंह राजू होर की गल आती है उन्होंने साफ तौर पर कह भी एक बार पेरोल से बाहर आए थे तो हूँ फिर यह चर्चा चल पी कि आई जी पी सी भी कह रही है कि हूँ तो केंद्र सरकार के हाथ के हूँ उन्होंने छड़ देन भी हूँ तो सारा कुछ कोर्ट ने उन्होंने उत्ते डिपेंड करता। तुहानू की लगता है किस तरीके कौमी इंसाफ मोर्चा सोचता है कि रिहाई किस तरीके उन्होंने होनी चाहिए है बाकी बंदी सिंह की भी? जदों भाई बलवंत सिंह राजूआणा फांसी के आर्डर होए सी उदों सरकार ने रोक लाई है उसते, क्योंकि संगत सड़कों पर आई हैं, एक केसरी लहर चली सी उन्होंने हक च फांसी रोकने वास्ते, देश विदेश दियां संगतां उन्हां दे हक च खड़ियां ते ओह दबाअ नूं मन के सरकार ने उस टाइम रोक लाती सी उन्हां दी फांसी दे। सो जिहड़ी लगातार उन्हां ते फांसी दी तलवार एक लटक रही सी सिर ते ओह उस नाल जूझ रहे हैं। ये देखो एक तरह का जलील करन दी गल है, इन्नी देर हो गई क्योंकि 2012 च उन्हां दी फांसी ते रोक लगी सी, अज तक जो जारी है
पर सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार नूं भी हदायत करती रही भी इहदे तुसी थोड़ा की स्टैंड स्पष्ट करे। सो जिहड़ा हुण सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय ते सुटिया भी वह फैसला लवे इहदे बारे, गृह मंत्रालय नूं फैसला लेना चाहिंदा, उहनां दी फांसी है जिहड़ी खत्म करनी चाहीदी है। कौमी इंसाफ मोर्चा इस चीज़ की मांग करता, क्योंकि इन्नी देर एक नूं जलील करना यह भी गैर कानूनी है। सो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट, मैं तो कहना सुप्रीम कोर्ट नूं वह फैसला लेना चाहिदा था, जिस तरह जदों बाबरी मस्जिद ढाई है सुप्रीम कोर्ट ने रात दे एक बजे फैसला लिया कि वह जायज़ है कानून के मुताबिक उहनूं ढाउण वास्ते आर्डर करे। सो इस तरह के फैसले बहु गिणती नूं खुश करने वास्ते सुप्रीम कोर्ट इस तरह के फैसले लैंदी है। हर एक जिहनूं कानूनी हक बनता उहदे हक च सुप्रीम कोर्ट नूं फैसला लेना चाहिदा। सो हुण गृह मंत्रालय की फर्ज बनता भई भाई बलवंत सिंह राजूवाले की जिहड़ी फांसी है उहनूं खत्म करे तां कि उहनां दी रिहाई दा राह जिहड़ा पद्धरा हो सके। जिस तरीके दे नाल प्रचार किया जा रहा, जिस तरीके दे नाल वख-वख थावां ते बंदी सिंघां दी रिहाई की गल हो रही है, उस तरीके दे नाल एस जी पी सी भी जिहड़ी है दस्तक मुहिम चला के बैठी हुई है, तां हुण लगता है कि एस जी पी सी भी साफ तौर पर यह कहती नज़र आ रही है कि हुण तां उहनां दे हाथ दे विच है, हुण तां उहनां लई सौखा है, राह पद्धरा है। कि लगता जिस तरीके दे नाल उन्होंने कह दिता गृह मंत्रालय के हाथ में यह केस चला गया, बाकी दे बंदी सिंघां दी रिहाई की गल इस तरीके नाल हो सकती है, भी एक चैन बन जाएगी कि हुण छड़ सकदियां सरकारां? देखो चंगी गल है जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बंदी सिंघां दी रिहाई लई एक दस्तकती मुहिम भी शुरू करती है, असीं उहदी सलाघा करदे हां, कोई माड़ी गल नहीं। पर उह समां सी जदों इहनां नूं करनी चाहीदी सी, इस करके देर आई दुरुस्त आई, इह चंगा काम है। जिस तरह हुण गृह मंत्री नूं एस जी पी सी दे प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने गल कही है, देखो मौके ते सी उहनूं फैसला लै लैना चाहीदा सी या थोड़े दिनां च इस चीज़ ते फैसला लै लैना चाहीदा, क्योंकि आम सिख दी मंग है, जिहड़ा भी सिख कोई जिथे बैठा भी जिहड़े बंदी सिंह है जिन्हां दी सजावां भी पूरियां हो चुकियां उहनां दी रिहाइयां होणियां चाहीदियां। असी जो भी बंदी सिंघां दी रिहाई लई कोई आवाज़ बुलंद करदा असी उहदा कौमी इंसाफ मोर्चे वल्लों स्वागत करदे। इस दे विच लगातार रमनीत बिट्टू भी कहिंदे नज़र आ रहे कि कातलां दी गल क्यों हो रही है, जिन्हां ने कतल कीते ने उहनां दी गल करनी चाहीदी है जिहड़े शहीद होए ने, तुसीं क्यों वारी वारी उह तां एस जी पी सी नूं भी कहिंदे नज़र आ रहे ने साफ तौर पर श्रोमणी अकाली दल नूं भी, मतलब इस तरीके दे नाल तुसीं कातलां दी गल करी जांदे हो, उहनां शहीदां दी गल क्यों नहीं करदे जिहड़े उस वेले शहीद होए? देखो जिहड़ी रमनीत बिट्टू दी सोच है उह घटिया सोच है, जे उह वाकई गल करदा भी उह कातल है, की रवनीत बिट्टू ने उन्हां कातलां दी कदे गल करी है जिस कांग्रेस पार्टी दे राज जदों इस भारत च सिखां दा कतलेआम होया, दिल्ली च होया, कानपुर च होया, बोकारो च होया और बहुत सारे शहरां च सरेआम सिखां दा कतलेआम होया, की रवनीत बिट्टू उन्हां कातलां दी भी गल करदा? की उहदे दादे दी जिन्हें अपने सारा कानून छिके टंग के नौजवानां दे कतल किए हैं, सरेआम 15-15, 16-16 नौजवानों घरां चो बेदोशियां चक के उन्होंने शहीद किया जाता सी, कतल किया जाता सी, की रमनीत बिट्टू उन्होंने भी गल करता? सो इस करके मनुखी अधिकारां दा कदर करते हुए इस तरह की आवाज़ उठानी चाहिए है, क्योंकि उस टाइम जिहड़ा सरकार ने भी जिहड़ी बेअंत सिंह की सरकार सी उन्हें ही इस तरह का माहौल इत्थे सिरजिया। एक जेकर अज उस टाइम जगतार सिंह हवारा तो उन्हां दी समुची टीम शहीद भाई दिलावर सिंह एक कार्ज ना करदे तो अज मेरा ख्याल भी नौजवान देखने नूं नहीं मिलता सी, क्योंकि वह पीढ़ी जिहड़ी उन्होंने सारी मार देनी सी, वह आने वाले समय च कोई नौजवान ही नहीं। अज जिहड़ा तुसीं भी है उस तो बाद जन्म होए हैं वो उस जुल्म नूं रोकण करके ही होए हैं, इस करके गल उहनूं करनी चाहीदी है। इस तरह की सौड़ी सोच नहीं अपनाउणी चाहीदी कि एक मैं इहदा विरोध ही विरोध करना, यह चंगी गल नहीं। उहदे वल बापू जी लगातार कौमी इंसाफ मोर्चा दे नाल संबंध नहीं रखिया उन्होंने बलवंत सिंह राजूवाले, पर तुसीं अज वी उन्होंने दी हमायत कर रहे हो कि नहीं बंदी सिंह ने कौम लई कुछ किया, तां इसे तरह स्टैंड रहेगा कौमी इंसाफ मोर्चा का कि बलवंत सिंह राजूवाले जद तक बाहर नहीं किया जाता? बिल्कुल, देखो जी कौमी इंसाफ मोर्चे का स्टैंड स्पष्ट है भी जिहड़े नौ बंदी सिंह जिस विच बलवंत सिंह राजूवाला भी शामिल है उन्हां दी रिहाइयां तक साडा संघर्ष जारी रहेगा।
भावें वो देखो असी अपना फर्ज निभा रहे हैं क्योंकि कौम वालों लग्या मोर्चा कौमी इंसाफ मोर्चा कौम अपना फर्ज निभा रही है समुचे बंदी सिंघां दी रिहाई की मंग कर रही है उन्हां च भाई बलवंत सिंह राजवाणा शामिल है बेशक चलो उन्हां दी कोई सोच है निजी सोच है किसी के खिलाफ बोलते हैं सानू कोई इसका इतराज नहीं पर इन्हां दी समुचे बंदी सिंघां दी रिहाई तक ये मोर्चा आवाज़ बुलंद करता रहेगा तो मोर्चा जारी रहेगा जी। कोटपुरा गोलीकांड बैबल कलां तो इस लगातार चलान पेश किए गए ने तो इस नाम भी जोड़े ने सामने आए थे तो बीते दिनों के प्रकाश सिंह बादल इस दुनिया के नहीं रहे तो उन्होंने पुत्र वालों सुखबीर सिंह बादल होर वालों माफ़ी मंगी जा रही है कि पंथ कौम सानू माफ़ कर दे किसी भी तरह की कोई गलती हुई है कि लगता वो की कहना चाहते हैं तो कि गलतियां हुई ने देखो जिहड़ियां गलतियां होईयां बहुत वड्डियां गलतियां प्रकाश सिंह बादल करके गया क्योंकि 1978 च जदों 13 अप्रैल नूं उह सिंघ शहीद होए उस भी प्रकाश सिंह बादल का वड्डा रोल सी क्योंकि उन्हां दा उस टाइम मुख्यमंत्री सी उन्होंने बनदी कारवाई उस टाइम नहीं की उस निरंकारी नूं बचाया सो उस तो बाद भी जे गल करिए 2015 की जदों बरगाड़ी विच गुरु ग्रंथ साहिब की बेअबदी हुई है तो प्रकाश सिंह बादल की यह सरकार सी जिन्हें उन्हें ट्रेस करना सी ते दोषियों नूं सजावां देनियां सी परंतु उन्होंने दोषियों के हक च भुगते उन्होंने बचाने की कोशिश की भावें श्री अकाल तख्त साहब तो उस मुख दोषी मुआफ़ करन दी भी गल होई है तो उस मुआफ़ी नूं जायज़ ठहराउण वास्ते गुरु की गोलक चों 95 लाख दे इश्तिहार दिते गए सो इस तरह बादल साहब करके गए हैं परंतु जो पंथ है गुरु ग्रंथ साहिब बख्शणयोग है जे अज भी वह अपनी सुखबीर सिंह बादल दिलों अपनियां गलतियां नूं कबूल करदे हैं क्योंकि कौमी इंसाफ मोर्चा जिहड़ा लग्या वह गुरु ग्रंथ साहिब की बेअबदियां दा इंसाफ बैबल कलां कांड विच होए शहीद सिंघां दे उहनां दा इंसाफ ते उहनां पुलिस मुलाजमां ते दोषियां जिन्हां दे हुक्मां नाल वह कांड वापरे हैं उहनां दा इंसाफ देवे पंथ ते गुरु ग्रंथ साहिब बख्शणयोग है असी तो कहने सारिया गलतियां वो कबूल के कौमी इंसाफ मोर्चे आ जाए गुरु ग्रंथ साहब तो पंथ बख्शणयोग है उस पर विचार की जाएगी सो जो दिलों इस चीज़ का एहसास करते हैं अगे तो यही गलती करन दा वादा करते हैं तो पंथ बख्शणयोग है हो सकता कोई गल नहीं मतलब कौम उन्होंने बख्श देगी तो आने वाले समय के जिस तरीके उन्होंने अपनी भावनावान के नाल माफ़ी मंगी है फिर तो जो अकाली दल है वह फिर खड़ा किया जा सकता फिर तो उन्होंने जोड़ा प्यार दे के अगे लिया जा सकता इस तरह भी सोच हो सकती है पंथ देखो उस अकाली दल में जोड़ा पूरी कुरबानिया दे के होन च बनया आया सी ना उस दे सिद्धांत नूं भी इस परिवार ने सट मारी है जे उस गलतियां दा एहसास करदा भी वाकई उन्हां कदरां कीमतां ते जिन्हां ते अकाली दल बनिया सी उह सुरजीत होण तां कोई गल नहीं इक अकाली दल हो सकदा क्योंकि जिहड़े बखरेवें होए आ अकाली दल तों वक्त टुट गए अकाली दल बने आ ये उन्हां दी बदौलत बने आ जे उन्हां गलतियां नूं ये स्वीकार करदे आ उन्हां नूं साफ करते हैं तो हो सकता एक अकाली दल जदों तक एक अकाली दल बनता नहीं उदों तक सिखां दे मसले हल नहीं होने ये अज समय की लोड़ है भी अकाली दल वो अकाली दल होना चाहिंदा जिहड़ा 1920 च बनिया सी उन्हां सिद्धांतां ते पहरा देना चाहिंदा जे उन्हां सिद्धांतां ते वह अकाली दल खड़ गया तो वह दिन दूर नहीं सानू कोई मोर्चे लाउण दी लोड़ नहीं साढ़े हक सानू मिलणगे सो ये समय की लोड़ है जी जी बहुत शुक्रिया बापू गुरचरण सिंह ते बाबा रायराज सिंह साडे नाल सी साफ तौर पर इन्होंने जो बलवंत सिंह राजू होरां दी सज़ा दे बारे गल की किस तरीके दे नाल सरकारां दे हाथ दे विच फैसले ने गृह मंत्रालय कोल फैसला है तो हुण फैसला लैके जल्दी तो जल्दी उन्होंने छड्डना चाहिए दूजे पासे IGPC भी लगातार प्रचार कर रही है तो उन्होंने भी यही कहा कि हुण तां इन्हां दे हाथ दे विच है हुण जल्दी तो जल्दी बलवंत सिंह राजू होरां नूं छड्डना चाहिए पर दूजे पासे इन्होंने भी सवाल कर दिते जो सुखबीर सिंह बादल होरां ने माफ़ी मंगी सी कि पंथ तो उसके चलदिया होया इन्होंने कहा कि इतने है कि माफ़ी मंग लैन तो जोड़ा है पंथ बख्शनयोग है उन्होंने बख्श देगा लगातार सवाल चुके ने रवनीत बिट्टू होरां नूं लैके भी विचार जो सांझे करो कैमरा सहयोग दे सी शिवा धन्यवाद।